नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। ढाई साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने नगरपालिका बगरू के वार्ड 30 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि पार्षद द्वारा क्या कुछ कार्य कराए गए और वर्तमान में क्या क्या समस्याएं बची हैं। इस दौरान जनता ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। कुमार, मैं बगरू आदर्श कॉलोनी, हमारे पार्षद साहब गोविंद नारायण जी मेरावदिया। काम बहुत अच्छा है उनका। कॉलोनी में सुबह शाम आते भी रहते हैं, देखते भी हैं, सर्वे भी करते हैं और लाइट पानी की बिजली की व्यवस्था सब अच्छी है। हाँ, पार्षद साहब कैसा काम करवा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, रहा क्या समस्या क्या आपके यहाँ? समस्या तो कुछ नहीं है। सुनाई करता है। कोई समस्या वैसे है नहीं। क्या नाम आपका? अशोक कुमार नाम है मेरा। पार्षद कौन है? गोविंद जी। कैसा काम करवा रहे हैं? काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ, सभी सफाई व्यवस्था हो चाहे बिजली लाइट पानी सभी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पार्षद के पास समस्या लेकर जाते हैं, सुनाई करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद नारायण। कैसा काम करवा रहे हैं? बढ़िया काम करवा रहे हैं। समस्या क्या आपके यहाँ? समस्या तो विशेष कुछ है नहीं, जो भी नगर पालिका से कार्य होता है सब करवाते हैं। नाली सफाई, सफाई का नालियों का सफाई, बिजली की देख रेख। हाँ, संतुष्ट है। बार तो मिलन सारी है, आते हैं राम राम श्याम श्याम तो सबसे ही करते हैं। क्या समस्या? क्या समस्या? तो पानी की है सर अधिकतर। तो और क्या समस्या है? पानी नालियाँ ये टाइम पे नहीं होती, और तो करीब करीब लाइटें वगैरह तो ठीक है। कैसा काम करवा रहे हैं? गोविंद जी अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल करता है। हमारे कचरे की समस्या है, यहाँ पे कचरा पड़ता है रेगुलर, लेकिन सेम डे उठवा देते हैं सब। हाँ, अरे मानसु ना, यहीं रहता हूँ आदर्श कॉलोनी में। गोविंद जी जी पा बहुत बढ़िया काम करे साहब। हाँ बहुत अच्छा काम है। हाँ बिल्कुल सुनवाई होती है। धन्ना लाल पार्षद गोविंद नारायण छिपा। अच्छा है, काम करा रहा है। समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आप? हाँ जरूर सुनवाई करते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद साहब? व्यवहार अच्छा है। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद थे, अंतर क्या दिखाई दिया आप? पहले के में तो क्या बोला, बहुत अलग अलग पार्टी को, जैसे मान ले पहले वो कांग्रेस पार्टी से थे तो वो ध्यान नहीं देते थे, अब ये सबका ध्यान दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 30 के पार्षद, जिनका नाम है गोविंद नारायण छिपा। आइए जानते हैं पिछले ढाई साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची है। स्वागत करना चाहेंगे। ढाई साल का जो कार्यकाल रहा कैसा? देखो, ढाई साल का कार्यकाल वैसे तो अच्छा रहा मेरा, क्योंकि जो भी वार्ड के वासियों ने मेरे को जो काम बताया है वो मैंने पूरी पूरी कोशिश की है उसको पूरा करने की, और फिर भी कुछ काम रह गए हैं मेरे जो मैं जल्द से जल्द उनको भी पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं नगर पालिका या जलदायु विभाग या विद्युत विभाग या यहाँ के जो भी सरकारी ऑफिसर्स है जहाँ पे जो काम हो सकते हैं वहाँ पे मैं एप्लीकेशन लगा के और उनको इस वार्ड के लिए अवगत करा देता हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम के लिए मैंने डाल दिया। देखिए गोविंद जी, हमने आपके वार्ड का दौरा किया, दौरा करने पर पता चला कि नालियों की बड़ी समस्या है आपके यहाँ, क्या कारण मानते हैं आप? देखो, नालियों की समस्या पिछले 10 साल से ही है यहाँ पे, जब से ये पिछले वार्ड के जो भी पार्षद वगैरह थे उन्होंने जब रोड बनी तब नालियों की ढाल वगैरह सही नहीं बनी हुई थी, और कुछ हो सकता है वार्डवासियों की कमी रही हो कि वार्ड वासियों ने ये किया कि जिधर नाली की ढाल रहनी चाहिए तो उधर नहीं होने दी, दूसरी साइड अपोजिट साइड करवा दी, ये भी एक प्रॉब्लम रह सकती है। लेकिन मैं जब से पार्षद बना हूँ उसके बाद मैंने नाली की रिपेयरिंग के लिए और उसकी ढाल ठीक करवाने के लिए नगर पालिका कार्यालय के अंदर इसके लिए एक एप्लीकेशन दी हुई है और उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं नगर पालिका जाकर इसके लिए बार बार अवगत कराता हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अभी एक दो महीने से मुझे ये जवाब मिलने लगा है कि आपके यहाँ पे सिविल लाइन डलेगी, इस वजह से नालियों में व्यर्थ का पैसा अपन नहीं लगा सकते, तो सिविल लाइन बनेगी तो उसमें नालियों का मैटर खत्म हो जाएगा। सड़कों को लेकर हम जानना चाहेंगे कि कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है और कहाँ कहाँ हो चुका है। देखो, मेरे वार्ड के अंदर वैसे तो करीब करीब सड़कें पहले से बनी हुई थी, JDA के द्वारा बनाई हुई है और कुछ नगर पालिका के द्वारा बनाई हुई है, लेकिन दो जगह मेरी वार्ड के अंदर सड़क रह गई थी जो इस कार्यकाल में मैंने बनवा दी है। वो मैन एंट्रेंस पे थी और एक मेरी कॉलोनी के पास की एक छोटी गली थी भूतेश्वर जी मंदिर के सामने, वो वाली रोड भी मैंने बनवा दी है और बाकी का रोड का कोई मैटर नहीं है मेरी। वर्तमान में क्या समस्या नजर आ रही है आप? वर्तमान में तो मैंने बताया ना, एक तो नालियों की समस्या है,
जो नाली अभी तक बनी नहीं है, तो उसके लिए अभी नगर पालिका क्या डिसीजन कर रही है कि वो सिविल लाइन देंगे हमारी वार्ड के अंदर या नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो उनको नाली रिपेयर करनी चाहिए, और अगर दे रहे हैं तो फिर हम लोग उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे आपकी जो जनता है उनसे? देखो, चुनाव के टाइम में मैंने जो वादे किए थे वो मैन तो मेरी कॉलोनी के तीन ही वादे थे, एक तो साफ सफाई व्यवस्था, एक लाइटिंग व्यवस्था और पानी की व्यवस्था। तो लाइटिंग की व्यवस्था मैंने सुचारू कर दी है, जितने भी लाइट्स वगैरह ख़राब होती है उनको ठीक भी करवा देता हूँ, और नई लगानी होती है वहाँ नई भी लगवा देते हैं। और इसके अलावा पानी की समस्या थी जो पिछले ढाई साल के अंदर, ये मान के चलो करीबन ढाई साल तक ही रही अभी समस्या, और अभी एक महीने से आदर्श कॉलोनी के अंदर वार्ड नंबर 30 के अंदर पानी आने लग गया है। कुछ घर बाकी हैं जिनके जलदाय विभाग के द्वारा डाट लगाए हुए हैं, उन डाटों के लिए मैंने जलदाय विभाग के अंदर एप्लीकेशन दे दी है और शिकायत भी दर्ज करवा दी है। वहाँ से अधिकारी लोग आए हैं और वार्ड जो डाट जहाँ पे लगे हुए हैं उनको उन्होंने सर्वे भी किया है, और जल्द से जल्द उनको खोलने का उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, आपका जो कार्यकाल है ढाई साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है मेरी कि वार्ड को मैं अच्छा आदर्श वार्ड बनाऊँ, और आज के पहले जो भी पार्षद काम किए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ मैं इस वार्ड में, जिससे वार्ड का विकास हो सके और वार्ड को सुसज्जित रख सकूं मैं, और वार्ड के लिए जो होगा मैं तन मन धन से तैयार रहता हूं हमेशा। वार्ड की जनता से अपील क्या रहेगी आपकी? वार्ड की जनता से अपील यही है कि अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करें और मुझे कॉल कर लें। चार पांच लोग अगर एक साथ बैठ के समस्या की बात करें तो वहां मुझे कॉल करके बुला सकते हैं, मैं वहीं आ जाऊंगा, उनको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिंगल किसी को प्रॉब्लम है और वो मुझे कॉल करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं एनी टाइम वहाँ पे उनके पास अवेलेबल हो जाऊँगा। राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? राजनीति में तो देखो मैं बचपन से ही हूँ, मतलब ये है कि मैं 95 जब मेरे चाचा पार्षद बने थे तब से मैं एक्टिव हूँ 95 से। उसके बाद से मैंने हर मेरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जब भी चुनाव का मौका आया तो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम किया है, और पार्टी के लिए जो भी अच्छा से अच्छा काम हो सकता है वो हम लोग करते हैं।